सब जो बात कर रहे हैं समस्या आ रही है लोगों की कि किराना को जो सामान है वो थोड़ा सा महंगा मिल रहे हैं। नहीं समझ किराना को सामान तो क्या मंडा खुली नहीं है, बाहर को ऑर्डर दिया है SDM मंडा खुली नहीं है, आगे से माल नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक ही जवाब में सरकार ने पहले जाप तो करना चाहिए, सरकार की गलती है और माल तो कोई महंगा कौन मिले जितो एक भाजी सब्जी है सारी सस्ती आज 20 रुपये के लिए सब्जी मिलती है क्योंकि सब्जियों ने छूट दे दिया आज SDM कभी कोई किराने की दुकान समझ पर खड़ी मोटरसाइकिल को चलान कर रहा पुलिस वाला वो क्या मतलब वो क्या मैंने 20 हज़ार लोग सब्जी लेना है बाजार का माल कोई चीज लेना है 10 से 2 बजे तक बाजार खुला रहे और 10 से 2 बजे बीच में चलान कर देगा भैंसो मोटरसाइकिल लेगा कोई मीट वास सारे कोई भैंसो कौन से गाँव सारे वो किए तरीकों आपको अब वो ऐसा है कौन सा आदेश दिया कि भाई 5-20 का चलान कर दो तो 10 से 2 बजे तक तो लोग मोटरसाइकिल लेकर आ गए। गलत क्यों मोटरसाइकिल तो खड़ी कह ले जाओगे आगे सामान लेना है वो कटे से भी आ 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर बिना चलते मोटरसाइकिल बिना कौन पूछा कि तू हेलमेट को नहीं दे रही केक को नहीं बिना पूछे कि तू मोटरसाइकिल पर कहें चलान कर दो कमाल कर दो आदेश है कि 20 का चलान करना है क्या 5 का तो किराया 15 का 20 का चलान करने मतलब निर्दोष का चलान करेंगे 20 का हाँ मतलब निर्दोष बाहर के टाइम जैसे निर्दोष ही होगा क्यों सब्जी लेना है सब्जी से मतलब को नहीं तू मोटरसाइकिल पर कहें आयो घर कोई डॉक्टर दिखाने आ रहे कोई किन आ रही है और ये लोग भी खड़ी मोटरसाइकिल बाहर एक खड़ी मोटरसाइकिल उठा के लेगा बस दिखा जगह नहीं कर रोक ले चलान दिखा जगह रोक ले बिना ही कोई के मतलब सगला भैन राम राम थारो देसी पत्रकार रवि जलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी अपा झुंझुनू की एक नगर पालिका है मंडावा जो फिलहाल बिन पंचायत समिति भी बना दी गई है बठिया पर पहुंचे हाँ लॉकडाउन चल रहे हैं लॉकडाउन का मान की व्यवस्था है के प्रशासन के द्वारा के सतर्कता बरती जा रही है लोग की सावधानी बरत रहे हैं ये की जानकारी थोड़ी सी ले से हैं। कुछ स्टोर भी हैं अठे जो खुला ही पुलिस की गाड़ी भी है जो अभी गश्त पर है लोगों समझा रहे भी हैं पुलिस की गाड़ी भी निकल रही है और भी कुछ स्टोर ही खुला ही वह पर भी बात करांगा जो लोग भाई साहब बोल रहे हैं कि लोग सिर्फ जरूरत की चीज़ है भाई ले आ रहे हैं प्रशासन भी सख्त है और जो लोग भी हैं खुद भी आपकी सतर्कता बरत रहे हैं घरों बाहर को निकल रहे हैं। एक जो समस्या निकल के आ रही है कि लोगों ने ना जो सामान जो भी मिल रहे हैं थोड़ो भी क्या कॉस्टली महंगो पड़ रहे हैं ये इकले है, कोई ये मतलब नहीं है भाई साहब आप ऐसे बात मत बोलो मना में आप सब्जियों के लिए बोल सकते हो कि कभी हम ये नहीं कर रहे हैं बाकी दुकानदार जैसे ये राशन का सामान है वो बहुत ज्यादा 1.5 गुना ज्यादा हो रखा है कहीं कहीं ज्यादा डबल चीजें रेट हो रही है तो एक जगह प्रशासन को ये गाइडलाइन तो ये जरूर देनी पड़ेगी कलेक्टर को या और भी है मोदी अकेला कहीं कुछ नहीं कर सकता सब आपको खुद करना ही पड़ेगा ये मैनेज तो करना ही पड़ेगा अपने आप को करना पड़ेगा जनता को करना पड़ेगा या खुद मतलब लोगों के अंदर भी वो होनी चाहिए कि नहीं यार एक बात अपन नाजायज ले रहे हैं आज तो 2 महीने 1.5 महीने ले लेंगे तो बाद में कहाँ जाएंगे। काफ़ी भीड़ भी जो आप बात करें थोड़ी सी ठीक है कि लोग सामान जो जरूरत को सामान है वो ले बाकी निकल रहे भी हैं शासन है जो चालान भाई साहब वो बात कर रहे हैं अगर कोई समस्या है ये कुछ बोलना चाहूँगा हम बहुत असर से आए थे हमारी रास्ते में बाइक पकड़ ली क्योंकि हम दवाई लेने आए थे पूरे प्रूफ हमारे पास है दवाई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह को निकाल के दिखा भाई सारे दस्तावेज इसमें पूरी जो सब जो हर चीज है पर्ची मेडिकल पर्ची किट है अपना पर्ची दिखाओ रतनगढ़ की जो मोटरसाइकिल कुछ बाइक लेके आ रहा है 12 किलोमीटर से पैदल चल के आए पैदल मतलब 12 किलोमीटर पहले सारी बाइक पकड़ ली तेतरे में बाइक पकड़ ली 5 किलोमीटर पीछे दवाई ले पैदल चल के आए हो थे तो क्या बोला था पुलिस वाला कुछ नहीं पकड़ लिए चालान निकल लिया बोलो भगोने लगोगे अच्छा भगोने लठा के देना तो थे बंद दिखाओ उनकी भाई मार्गन पर्ची वगैरह सब कुछ देख दिया मंडावा में जब आप पहुंचा तो एक चीज और निकल के आ रही है मंडावा जन सेवा समिति है सहायता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जो भाई साहब आप बातचीत कर सकते पूछते हैं कि भाई ये जो व्यवस्था है भाई साहब के द्वारा यह व्यवस्था करी जा रही है मंडावा जन समिति द्वारा तो क्या चीज़ सप्लाई हो रही है अभी ये फॉर्च्यून का सामान है लेके जा रहे हो कोल्याली गांव है कि कोई गांव है तो बिकमान यही बांट कह रहे हो फिर कोई रिक्वेस्ट पहले दुकानदार का सामान है उसका फोन आया ऑर्डर से माल डाला अच्छा दुकानदार ने सामान सप्लाई हो रहे सिर्फ दुकानदार सबके लिए अच्छा जैसे जैसे फोन आते हैं व्हाट्सएप पे नंबर डाल रखे हमने हाँ ग्रुप के अंदर नंबर डाल रखे जो फोन करते हैं सबको घरों में सप्लाई दी जा रही है नहीं तो घर में थोड़ी तो घर तो मान लो कही है कभी गरीब बेचारा का जगह का कोई फोन नंबर बने बात कैसे पूछे जिसका व्हाट्सअप नहीं चलाऊँ बंद कैसे हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं हाँ हमारे 70-80 आदमियों की टीम है सब लगी हुई है तो पत्रिका में व्यवस्था हो रही है तो मतलब आस पास के गाँव में कितनी दूर तक मंडा कितनी दूर तक कर रहे हो यार 7 से 8 किलोमीटर तक हाँ जी
लगभग कत्ती दूर में यह चीज़ 10 किलोमीटर तानी में मंडावा की जो 10 किलोमीटर की परिधि अभी तुम्हारी व्यवस्था करी जा रही है कि सामान लोगों ने दिया जा रही है आटो है सब्जी है दाल है चावल है नमक है मसालों है मिर्ची है नगर पालिका और पद ऊंचा बढ़े तो अपन जानकारी मिली कि मंडावा जन सेवा समिति है एक द्वारा लोगों ने जो व्यवस्था करी जा रही है कि भाई लोग ही अगर कोई ने जरूरत को सामान चाहिए तो बंकले बने व्हाट्सएप नंबर पर आपका जारी कर रखे हैं या फिर जो भी लोगों ने जरूरत है तो वो कहें भी संपर्क करें के व्यवस्था फिलहाल तो जो अपना बात करा शहर में या फिर थारे द्वारा लोगों ने जो नगर पालिका में की व्यवस्था करी जा रही है इस बीमारी को देखते हुए हमने एक मंडावा जन सेवा समिति का गठन किया उसमें हमारी मामाशाओं को जोड़ा और उसके माध्यम से ये समिति जो भी गरीब परिवार हैं जिनके भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको हम राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं जिसमें 10 किलो आटा 2 किलो आलू हरी सब्जियां आधी किलो दाल एक तेल की बोतल हल्दी मिर्ची नमक बिस्किट ये सब सामग्री हम घर बैठे लोगों के पहुंचा रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास सूचना आती है आवश्यक लोगों की उनको घर बैठे ही पहुँचा रहे हैं यहाँ पे किसी को नहीं आने दे। जो अपना दर्शक ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो थारे आसपास अगर कोई का असुविधा हो रही है या कोई ने खाद्य सामग्री नहीं उपलब्ध हो रही है तो थारे द्वारा जब तो हो सके भी कि एक दिन दो दिन पाँच दिन दस दिन की अगर व्यवस्था हो सके तो जरूर करी जाए अगर कोई है कि मदद करना चाहे है तो बिल्कुल जो अपना नंबर ही वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके अपने द्वारा भी मदद करी जाएगी या फिर वहाँ जगह बताई जाएगी जिस जगह पर मैं इस चीज़ की व्यवस्था करना चाहूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर थारे पास या आसपास में है कि कोई समस्या आ रही है तो वह भी थे मान कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ चैनल पर बना रहो सब्सक्राइब जरूर करो लाइक करो जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।